Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on skincare, hair care, makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another review video and today I'm going to review a skincare product which is a dark spot clearing serum from Himalaya. Yes guys, तो मेरे पास सबसे ज्यादा अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर कॉमेंट आते हैं तो वो ये है कि स्किन पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ज्यादा अनइवन दिखती है या स्किन में कोई ग्लो नहीं है. तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं जैसे कि एक्ने या पिंपल मार्क्स, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर या कोई हार्मोनल इशू, स्किन एजिंग. और ये प्रॉब्लम जितनी आसानी से आती है ना उतनी आसानी से जाती तो बिल्कुल भी नहीं है. स्पेशली अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो इम्पॉसिबल सा लगता है. लेकिन जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूं ये इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है एंड इनका ऐसा कहना है कि आपको 7 डेज में विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा. तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो. ऑलराइट गाइस, तो जिस सीरम के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है हिमालया डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम जिसका प्राइस है 499 रुपीज, जिसमें आपको मिल जाएगी 30 ml की क्वांटिटी एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है. कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगी और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की ग्लास बॉटल है जिसके साथ आपको ड्रॉपर मिल जाएगा जिससे डिस्पेंस एंड एप्लीकेशन में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है. सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग एंड इसके इनर पैकेजिंग दोनों के ऊपर मिल जाएगी, लाइक इसके इंग्रीडियंट प्लस मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसको कैसे यूज करना है, एवरीथिंग. बात करूं अगर मैं इसके मेन इंग्रीडियंट की तो इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वो है टर्मरिक एंड इसमें जो टर्मरिक यूज किया है वो टर्मरिक का सबसे प्योरेस्ट एंड पोटेंट फॉर्म है. तो ये आपकी स्किन में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि टर्मरिक में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन को हील करने में काम करता है. आपकी स्किन में अगर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ज्यादा अनइवन दिखती है तो उसको ये रिड्यूस करता है, स्किन को रेडिएंट बनाता है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को यूथफुल बनाता है. एंड टर्मरिक के बारे में ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि टर्मरिक को यू नो ट्रेडिशनली भी कितना स्किन केयर में यूज किया जाता है. इसमें 2% नायासनामाइड है जो कि अगेन आपकी स्किन में अगर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ज्यादा अनइवन दिखती है तो उसको ये रिड्यूस करता है, स्किन को क्लियर बनाने में हेल्प करता है, स्किन में बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है तो उसको ये कंट्रोल करता है. इसमें फाइटो एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक लिकोरीज है जो कि मैंने पहले ही बोला कि इसमें टर्मरिक का सबसे प्योरेस्ट एंड पोटेंट फॉर्म है. एंड इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है. स्किन में अगर रेडनेस बहुत जल्दी से हो जाती है, स्किन इरिटेट हो जाती है तो उसमें यह काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. स्किन में हाइड्रेशन लेवल को भी ये मेंटेन करके रखता है जिससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट एंड यूथफुल दिखती है. ठीक है, और ये जो सीरम है इसमें किसी भी टाइप का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जैसे कि पैराबिन, सिलिकन या मिनरल ऑयल, और ना ही सीरम को यूज करने के बाद फेस पे कोई स्टेन आता है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें तो टर्मरिक है कहीं फेस पे स्टेन तो नहीं आ जाएगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये जो सीरम है ये साइंस एंड नेचर का यू नो पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिससे ये बहुत ही इफेक्टिव है स्किन पे. आई थिंक मैंने सारी बेसिक चीजें कवर कर ली है और अब बात कर लेते हैं इसके कलर, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर या फ्रेग्रेंस के बारे में. तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा, बाहर से ही येलो कलर है. फ्रेग्रेंस की बात करूं तो बहुत ही माइल्ड सी इसमें फ्रेग्रेंस है. अगर आपको फ्रेग्रेंस से कोई प्रॉब्लम है तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लगाने के बाद तुरंत ही इसकी फ्रेग्रेंस चली जाती है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है. एंड अगर बात करूं इसकी मैं कंसिस्टेंसी की तो आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी है ना ही बहुत ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी है, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है. बहुत ही लाइट वेट है ये सीरम, लगाने के बाद अच्छे से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है, ना ही स्टिकी फील होता है. एंड लगाते ही आपको स्किन में अपने एक ग्लो दिखाई देगा. आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक हेल्दी सा ग्लो दिखाई दे रहा होगा. और अब इस सीरम को मैं अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा दी. अच्छा, इस सीरम को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, उसके जस्ट बाद इस सीरम को लगाना है. देन इसके ऊपर आपका जो भी रेगुलर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन है उसके साथ आप जा सकते हैं. इस सीरम को आप अपने AM PM दोनों रूटीन में शामिल कर सकते हैं एंड रेगुलर 7 डेज तक यूज करना है. अगर आप इस सीरम को रेगुलर 7 डेज तक यूज करते हैं एंड अपने AM PM दोनों रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको विजिबल रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा. इस सीरम में जो टर्मरिक रस यूज हुआ है ना बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से यूज हुआ है, मतलब कि
कोल्ड प्रेस स्वरस है जिससे उसकी जो गुडनेस है ना वो बरकरार रहती है और इस वजह से ये जो सीरम है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मुझे बहुत सारे मेकअप वीडियो करने पड़ते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करने पड़ते हैं जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी एंड यू नो डार्क स्पॉट वगैरह भी आने स्टार्ट हो गए थे। तो जब से मैंने सीरम को अप्लाई करना स्टार्ट किया है मेरी स्किन में यू नो फिर से वही ग्लो आ गया है। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन अभी कितनी ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोई दिख रही है। तो अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा जी, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस सीरम के बारे में। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार इस सीरम को जरूर ट्राई करके देखें। ये आपको Amazon, Flipkart, नायका एंड खुद हिमालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप Amazon से आज ही इसको परचेज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा, उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।